नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सीएम धामी ने उत्तराखंड चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बिल को वापस लेने का फैसला किया है। मंगलवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान भी कर दिया है। अब जल्द ही धामी कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी, जिसमें देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को मंजूरी मिलेगी। इसके बाद आगामी विधानसभा सत्र में बोर्ड को भंग करने का विधेयक पेश होगा। साथ ही पूर्व से संचालित चारधाम विकास परिषद और बद्री केदार मंदिर समिति को फिर से पुनर्जीवित करेगी सरकार। आपको बता दें कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष में चारों धामों के हितकार को पंडा, पुरोहितों और पुजारियों द्वारा समय समय पर विरोध आंदोलन करते रहे हैं। इसके मद्देनजर वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत समाधान के लिए समिति ने यह रिपोर्ट तैयार की थी, जिसका अध्ययन करने के बाद सतपाल महाराज ने अब इसे मुख्यमंत्री को सौंप दिया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि सीएम धामी इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। गौरतलब है कि 28 नवंबर 2019 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गढ़वाल मंडल के 51 मंदिरों को श्राइन बोर्ड की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड के अधीन कर दिया था। इस प्रस्ताव को कैबिनेट में भी पास कर दिया गया था। जिन मंदिरों को देवस्थानम बोर्ड के अधीन कर दिया गया, उनके पुजारियों और हकदारियों का आरोप था कि उनके मंदिरों को बोर्ड के अधीन करने से उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। पुजारी और हकदारी लगातार देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे थे। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।